So, good morning, everyone. Good morning. Welcome to the new technology of TeachMint. You can give me the feedback also right now. Sound messages, voice messages. Are you able to listen me? Yes, sir. Yes, it's Harshit Sharma. Yes. Anyone else? Are you able to listen me? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. Even I am able to listen you all. So, what about audio and video? Audio and video? Students? It's good, sir. Yes, Nancy, very good. So I am able to recognize who is all there. अच्छा लग रहा है थोड़ा सा? आप लोगों को क्या स्क्रीन दिख रही है मुझे नहीं मालूम. But I am just new to this. Little bit I will start sometimes. आज पहला दिन है और आप लोगों का ये जो वीडियो है मैं अपलोड भी करूँगा. One more request I have received and I am joining it. तो अभी तक 23 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं हमारी क्लास के. 7 मोर स्टूडेंट्स नीड टू बी ज्वाइन. तो सबसे पहले हम कुछ प्रोटोकॉल तय कर लें अपनी क्लासेस के. क्योंकि आप लोगों का वीडियो और ऑडियो अब दोनों ऑन हो गया है, मींस नाउ इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन. पहले हमारा कम्युनिकेशन जो था वो केवल लैंग्वेज में था, मतलब आवाज नहीं आती थी, टेक्स्ट मैसेजेस के फॉर्म में थे. लेकिन अब हम टेक्स्ट के अलावा ऑडियो और वीडियो दोनों कर सकते हैं. तो कुछ चीजें मुझे सीखनी होंगी, कुछ आप लोग मुझे सिखाएंगे इसमें, ठीक है. आई ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम यू ऑल. यहाँ से कुछ फाइल शेयरिंग वगैरह भी है और भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. देखते हैं क्या क्या आप लोग और अभी कर सकते हैं, ठीक है. वंस अगेन आई जस्ट सी हाउ इफ समवन इज देयर हु हैव रिक्वेस्टेड मी. So all of them are there. सबसे important feature है इसका attendance. So those who are there, they will be attending and I will be looking at it. तो मैंने अभी किसी को mute नहीं किया है. All are live right now. ठीक है, start करते हैं. जैसा मुझे YouTube को learn करने में 4 से 5 दिन लगे थे, maybe possible TeachMint भी learn करने में मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे. ओके, सो अगर इन केस कोई डाउट आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं व्हाट्सएप ऑन करके रख लेता हूं अपना. और भी मुझे रिक्वेस्ट आई है, मैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेना हूं. सो द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड पीपल आर रीच टू 25. नाउ 5 मोर एनरोलमेंट आई वांट टुडे. नाउ लेट्स सी क्लासेस ऑन. व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है व्हाट्सएप से ज्वाइन करें. Thanks. I am live on TeachMint. Got it. तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं नई टेक्नोलॉजीज के साथ. व्हाट्सएप मेरा चालू है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है इनकेस अगर मैं यहां पर थोड़ा सा नहीं भी देख पा रहा हूं. वैसे चैटबॉक्स इज ऑन राइट नाउ. And I am receiving good morning messages from everyone, and most of them are still live. I will learn something new, and hope you all will be helping me out. आपकी help के बगैर ये सब चलने वाला नहीं है. Okay? तो हमने features of marketing पढ़ लिया था. अब हम एक नए topic की तरफ चल रहे हैं. और वो जो नया टॉपिक है वो है व्हाट इज टू बी मार्केटेड एंड व्हाट कैन बी मार्केटेड. क्या किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है और क्या क्या आपको करना है. ओके, एक मिनट लगेगा मुझे, जस्ट अ मिनट.
मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा था कि टीचमेंट तो हमने लगाया, इसका बेनिफिट कैसे लिया जाए, तो कुछ सजेशंस आप दीजिए बेनिफिट के लिए, कुछ सजेशन मैं देता हूं। जैसे इनकेस अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप साउंड ऑन करके आप पूछ सकते हो, सर प्लीज मुझे बताइए, जैसे हम क्लास में पूछते थे। और आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि एक एक करके आप लोग पूछेंगे, ओके। अगर आप लोग एक एक करके रहेंगे तो मेरी भी समझ में आएगा और मैं भी काम आपका कर पाऊंगा। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो आएगा व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो बड़ी सी मजेदार चीज है व्हाट कैन बी मार्केटेड। ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन मार्केट है। हमें ये देखना है हम क्या मार्केट कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने ये बताया है कि आप गुड्स और सर्विसेज दोनों की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज के अलावा हम गुड्स और सर्विसेज के अलावा हम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज की भी मार्केटिंग की जा सकती है। ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ सम वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड। तो इसका जो टेक्निकल आंसर है, ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ सम वैल्यू, विच आर ऑफ सम वैल्यू टू अदर्स कैन बी मार्केटेड, कैन बी मार्केटेड। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू है किसके लिए, दूसरों के लिए। ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू है दूसरों के लिए, ओके मोना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट मोना। मोना आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई है इसमें अभी तक, मोना यादव आपकी रिक्वेस्ट नहीं है इसमें, आपको मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मोना यादव को। मैं आपको भेज रहा हूं मोना, सेंड द रिक्वेस्ट। ओके, तो मोना को हमें लिंक देना पड़ेगा, ओके, बिजनेस स्टडीज लिंक। अबव लिंक एंड जॉइन, ओके। इनकेस मोना अगर आपने मोना कहा से सुन लिया, ज्वाइन ही नहीं किया है, मैं भेज दिया व्हाट्सएप, देखते हैं। Who's there? श्रद्धा पटेल, यस ओके श्रद्धा, श्रद्धा पटेल उसको बता दो कि टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसको, और फिर वहां से उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा लिंक के थ्रू, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ उसकी, उसका आया है क्या, नहीं बेटा अभी तक उसकी आया नहीं है, उसका रिक्वेस्ट नहीं आया, रिक्वेस्ट आने दो फिर मैं करता हूं, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो व्हाट कैन बी मार्केटेड, वेरी सिंपल, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो किसी न किसी के लिए कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करता है, वो मार्केटिंग की जा सकती है। जैसे व्हाट्सएप की मार्केटिंग होती है, अभी टीवी पर देखिए 30 मिनट का ऐड आ रहा है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, ग्रामरली का ऐड आ रहा है, टीचमेंट के ऐड आ रहे हैं, अपग्रेड का ऐड आ रहा है, वाइट हेड जूनियर के आ रहे हैं, वो कोई ना कोई चीज की वैल्यू है। कुछ पैसे में आते हैं, कुछ फ्री में आते हैं, कुछ पैसे में आते हैं और कुछ फ्री में आते हैं। उदय तुमने क्या भेजा बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा,
बेटा स्टूडेंट की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट ऑलरेडी मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं तुम्हारी और इन सबकी। मैं भी आपका आपका कंप्यूटर है कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अभी को, फिर भी आज के बाद की जो क्लास है मैं देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या मार्केट कर सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट विच आर सम वैल्यू, इसमें क्या जोड़ रही वैल्यू जोड़ रही किसको दूसरों को, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई वैल्यू दे सकता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वैल्यू देगा तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, लगता है किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें बार बार, फर्स्ट डे है प्रॉब्लम्स विल बी देयर। जिसको भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप करो, मे बी आई हेल्प इट आउट। क्योंकि संकेत, उदय खोबरागड़े और मुनीश बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एक बार ज्वाइन करना है और बाकी लोग बड़े आराम से ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ एक बार ज्वाइन करना है। एंड वी विल बी हैविंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन दिस सॉफ्टवेयर ओनली नाउ नेक्स्ट टाइम। सो ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑफ सम वैल्यू टू अदर्स कैन बी मार्केटेड। बहुत ज्यादा पॉइंट हो गया ये, इन्होंने क्या बताया, एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू अदर कैन बी मार्केटेड, यानी ऐसी कोई भी चीज जो किसी दूसरे को वैल्यू देती है उसकी मार्केटिंग होती है। जैसे अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, वो कहते हैं ना गुजरात क्या करते हैं, एक बार तो पधारो गुजरात में, क्यों, क्योंकि तो उसकी मार्केटिंग हो रही है। अभी कुंभ का मेला हुआ था हरिद्वार में, तो हरिद्वार कुंभ की मार्केटिंग हुई लास्ट ईयर या शायद उससे पहले, अलाहाबाद का कुंभ हुआ था संगम पर, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी भयंकर मार्केटिंग करी। और मार्केटिंग क्यों करी, ताकि लोग आए और जो वैल्यू है रिलीजियस वैल्यू उसको समझें। तो ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर सम वैल्यू टू अदर्स, तो वैल्यूज है उसको समझिए, उसको करिए और आगे बढ़ जाइए। तो इन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया। तो क्लासिफाई कैसे किया, फिजिकल प्रोडक्ट्स इनकी भी मार्केटिंग हो सकती है, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग हो सकती है। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में इन्होंने लिया टीवी, फ्रिज, ठीक है, टीवी, आईपॉड, डेस्कटॉप, कार एक्सेट्रा। तो फिजिकल प्रोडक्ट जो फिजिकली अवेलेबल है हम उनकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर सर्विसेज की मार्केटिंग होती है, सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस, आजकल COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत क्रेज चल रहा है, COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत क्रेज चल रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज, इनका भी क्रेज चल रहा है। तो बहुत सारी चीजों की सर्विसेज की मार्केटिंग की जा सकती है। फिर होते हैं आइडियाज की मार्केटिंग, आइडिया यानी कि लोग आइडिया भी बेचते हैं आजकल, तो आइडिया की जो मार्केटिंग है उसमें कई सारी चीजों की मार्केटिंग है, जैसे फैमिली प्लानिंग, ओके, COVID-19 वैक्सीनेशन, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम मतलब बच्चों को पढ़ाने को लेकर, और भी कई तरीके के आपके इसमें आ सकते हैं आइडिया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये आइडिया है स्वच्छ भारत अभियान, ये एक आइडिया है, इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। फिर
पर्सन की मार्केटिंग हो सकती है, लोगों की होती है, जैसे योगी जी की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, मोदी जी की मार्केटिंग होती है, राहुल जी की भी मार्केटिंग होती है। भाई आप कहेंगे इनकी कैसे क्या मार्केटिंग है, बड़े सिंपल है ना। योगी जी बाबा आदमी है, फकीर, पिंडदान कर चुका है अपना खुद का, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, मर गया तो नाम लेने वाला कोई नहीं। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन रईस है जितनी जिसकी प्रॉपर्टी योगी जी से ज्यादा हो। आप कहेंगे कैसे, जिस पीठ के जिस आश्रम के वो पीठाधीश्वर है, ठीक है, बाबा गोरखनाथ, तो बाबा गोरखनाथ की प्रॉपर्टियां पूरे देश भर में फैली हुई है, आश्रम बने हुए उन आश्रमों के वो पीठाधीश्वर है, सीनियर हेड है, तो जितनी संपत्ति उनके मैनेजमेंट में है उतनी तो नॉर्मल किसी के पास है नहीं हाल फिलहाल में। आई होप सो, एम आई राइट। तो योगी जी की ब्रांडिंग वैसी, मोदी जी देशभक्त, राहुल जी की भी ब्रांडिंग हो रही है आजकल। राहुल जी की ब्रांडिंग कैसे हो रही है, राहुल जी हिंदू है, राहुल जी सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और चुनाव के साथ उनका क्या हो जाता है, चुनाव और स्टेट के साथ उनका कलर बदल जाता है। आजकल की पब्लिक सब जानती है, वो गाना है ना फिल्म में, ये पब्लिक है ये सब जानती है, आप इनको बताने की कोशिश मत करो, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। सो पब्लिक न्यू ईच एंड एवरीथिंग, इसीलिए हमें कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग होती है मनमोहन सिंह की हुई थी, मनमोहन सिंह भारत के बड़े अर्थशास्त्री, मनमोहन सिंह भारत के बड़े अर्थशास्त्री हुई, वो हमारे देश के सॉल्व करेंगे, किया उन्होंने, मनमोहन सिंह ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते थे। जबकि इन पर्सनल मैं बोलूं, मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मनमोहन सिंह इज अ वेरी गुड पर्सन, हाईली एजुकेटेड। आप अगर आप एजुकेशन और डिग्री के मामले में, मनमोहन सिंह इस समय हमारे देश में शायद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक हों। जितनी उन्होंने पढ़ाई करी है, जितनी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से उनके पास डिग्रीज है, जहां उन्होंने काम किया है, मोदी जी ने उतना नहीं किया एजुकेशन में, क्लियर है। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने आप को, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को बेस्ट जस्टिफाई किया, और उनका जो काम है ये देश पूरी जिंदगी याद रखेगा। हम योगी जी को याद रखेंगे नहीं रखें, मनमोहन सिंह को जरूर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश पूरे देश भर में परिवर्तन लेकर आए। योगी जी केवल यूपी में लाए हैं, जब योगी जी पूरे देश में लाएंगे तब हम योगी जी की बात करेंगे। तो इन पर्सन की भी होती है, इसके अलावा और किस चीज की मार्केटिंग होती है, इसके अलावा मार्केटिंग होती है प्लेस की, प्लेस, ठीक है, जगह की मार्केटिंग होती है, ठीक। अब हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अर्चंदूर, ओके, आई विल बी डूइंग दैट राइट नाउ। I have done for Mona Yadav, okay? I have enrolled. मोना खुद भी व्हाट्सएप कर सकती है, पता नहीं कहां उसका ध्यान होगा अभी, ठीक है। तो प्लेस की ब्रांडिंग होती है, ठीक है। एक मूवी आई थी कश्मीर की गली, क्या मूवी थी, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर की। उस मूवी को देखने के बाद उन्होंने पूरा कश्मीर दिखा दिया मूवी में, फिल्म का नाम ही नहीं रखा कश्मीर की गली। एक और मूवी आई थी उससे पहले, फिल्म का नाम था सूरज,
and the most famous heroine of that time, Sadhana and Rajendra Kumar. Rajendra Kumar was no doubt, जैसे आज रणबीर कपूर है, वो अपने जमाने का रणबीर कपूर है, उस जमाने का रणबीर कपूर राजेंद्र कुमार था. और आज जो सबसे अच्छी हीरोइन मान लीजिए वो कौन थी, साधना. उन्होंने कश्मीर के ऊपर पूरी शूटिंग कर मारी और कोई एक मूवी नहीं थी, सीरीज ऑफ मूवीज कश्मीर की शूटिंग करी. तो लेकिन जो शम्मी कपूर ने कश्मीर की गली में शर्मिला टैगोर ने जो मार्केटिंग करी कश्मीर की, उसको देखने के बाद लोगों का कश्मीर के प्रति प्रेम बढ़ गया. और उसके बाद कश्मीर में जो टूरिस्ट की भीड़ आई ना, हाँ मुना ओके गुड, तो उसके बाद कश्मीर में जो भीड़ आई ना, दैट वॉज समथिंग वेरी स्पेशल. और इतनी भीड़ आई कश्मीर के अंदर कि कश्मीर एक टूरिस्ट हब बन गया. अभी अभी हिमाचल, नैनीताल, पचमढ़ी, ये नए नए जगह हैं. तो प्लेसेस में मार्केटिंग किसकी होती है, कश्मीर की. उदयपुर, उदयपुर लेक पैलेस, लेक पैलेस ठीक. और आगरा की मार्केटिंग होती है, ताजमहल ऑफ आगरा. क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट ऑफ लव, ऐसा बोलकर मार्केटिंग करी जाती है. ताजमहल, द मॉन्यूमेंट ऑफ लव, आगरा. सो द प्लेसेस आर आल्सो मार्केटेड. इसके अलावा आजकल दुबई में बुर्ज खलीफा, वो गाना बना दिया किसी रैपर ने, आई डोंट नो द नेम ऑफ द रैपर, वो गाना बन गया. अभी एक दिन मैं ऐसे कर रहा था, मैंने ये कौन सा गाना बना दिया, मतलब कैसे कोई किसी को दे सकता है, लेकिन नहीं, मार्केटिंग है तो उसके पैसे मिल रहे हैं. आज लोग पैसे देकर वीडियो ब्लॉग बनवा रहे हैं, लोग पैसे ले रहे हैं वीडियो ब्लॉग बनाने के, तो मार्केटिंग हो रही है. एक से एक वीडियो ब्लॉग आते हैं. गुलशन कुमार ने जो मार्केटिंग करी है, जो काम गुलशन कुमार जी अकेले एक आदमी ने कर दिया, वो काम रामानंद सागर नहीं कर पाए. लेकिन रामायण की मार्केटिंग के बाद गुलशन कुमार जी को समझ में आ गया कि हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए. उन्होंने एक एक मंदिर को लेकर एक एक वीडियो बना दी. आज गुलशन कुमार टी सीरीज की आप वीडियो ब्लॉग उठा लीजिए, आप केवल टी सीरीज में आप टाइप करिए, आप हरिद्वार की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियोस हैं और इतनी डिटेल में वीडियो दिखाते हैं कि आपको लगता है कि आप साक्षात वहां पहुंच चुके हैं. कोरोना काल में आप कहीं नहीं जाएंगे लेकिन वीडियो तो देख सकते हैं. खासकर गुलशन कुमार जी के ऊपर माता वैष्णो रानी की बड़ी मेहर थी, तो उन्होंने माता वैष्णो रानी के ऊपर बड़े बड़े भजन बनाए, खुद गाए, नाचे, कूदे. कूद नहीं है, हम भी तो कूद ही रहे हैं यहाँ पर क्लास में. नतीजा क्या निकला, गुलशन कुमार जी सुपर डुपर हिट हो गए, उनका बिजनेस अफलातून चला गया. टी सीरीज भारत में सबसे ज्यादा बड़ी म्यूजिक कंपनी है. उन्होंने किसको प्रमोट किया, उन्होंने प्लेस को प्रमोट किया, उन्होंने पर्सन को प्रमोट किया. आगे एक्सपीरियंस किसकी हो सकती है, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो सकती है. ठीक है, हम एक्सपीरियंस की मार्केटिंग आजकल चालू हुई है हमारे देश में, वो महाराजा स्पेशल ट्रेन चलती है हमारे देश में, उसका मतलब 7-8 लाख रुपए का पैकेज होता है. तो महाराजा स्पेशल ट्रेन में आप जाइए, आपको बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, मजा आ जाएगा. आपने कोई कंपटीशन किया उसमें धोनी के लंच विद धोनी, या फिर डिनर विद अमिताभ बच्चन, आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें आपको ऑफर मिला कि अगर आप जीत गए तो आपको अमिताभ बच्चन के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा ताज होटल मुंबई में, आने जाने का किराया कंपनी देगी, मतलब कंपनी आपको लेकर जाएगी, आपको अमिताभ बच्चन साथ डिनर कराया जाएगा और वो एक्सपीरियंस, वो भी मुंबई के ताज होटल में बिठा कर, तो एक्सपीरियंस की मार्केटिंग है. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको बता सकते हैं. ठीक है, फिर इवेंट्स की मार्केटिंग होती है. नेक्स्ट किस चीज की मार्केटिंग होती है, इवेंट्स. अभी ओलंपिक निकल गया, सबसे बड़ा इवेंट दुनिया का, ओलंपिक जैसा कोई इवेंट नहीं दुनिया में, तो ओलंपिक की मार्केटिंग हो रही है.
ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग होती है घटनाओं की, इवेंट की, कोई बहुत बड़ा शो होने वाला है उसकी मार्केटिंग हो रही है। भारत में मेला लगता है सूरज कुंड का मेला, पिछले 2 साल से नहीं लगा, तो सूरज कुंड मेला केवल गूगल कर लो, सूरज कुंड मेला इतनी डिटेल्स आ जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। उनकी मार्केटिंग होती है, म्यूजिकल कंसर्ट्स होती है उसकी मार्केटिंग होती है, फैशन शोज की मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होती है कुंभ के मेले की, मार्केटिंग होती है राजस्थान में लगने वाला वो कौन सी जगह है अजमेर के पास उसमें जो मेला लगता है ब्रह्मा जी के मंदिर में उसकी मार्केटिंग होती है। आजकल भारत में कई तरह की मार्केटिंग चल रही है, खासकर इवेंट की मार्केटिंग बहुत जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि इवेंट मैनेजर्स जो हमारे कॉमर्स के बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट जो निकलते हैं वो ऐसा इवेंट मैनेज करते हैं कि पूरी दुनिया उसको देखती रहती है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? भाई मौका मिलने लगा तो पूछो, वरना क्या फायदा इस इवेंट का, यूट्यूब भी अच्छा था, पूछते जाइए आप लोग। अरे सुनो, अब जरा ऑडियो वाला पूछो, मेरे को पढ़ने का मन नहीं है अभी तुम्हारा, ऑडियो लगा हुआ है ऑडियो से पूछो। सर्विसेज प्रोडक्ट में आएगा वो, प्रोडक्ट में ऑडियो के थ्रू पूछोगे तो जल्दी जल्दी आंसर मिलेगा, मुझे टाइम बहुत लगता है मैसेज पढ़ने और समझने में। वो सर्विस नहीं है, वो प्रोडक्ट है, वो बायजूस प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर। और क्या पूछा? सबको पढ़ाने की सर्विस दे रहे हैं ना? हाँ, एजुकेशन सर्विसेज है, एजुकेशन इज सर्विसेज, एजुकेशन जो हो रही है वो सर्विसेज है, लेकिन बायजूस जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है बेटा, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों कंबाइंड होकर आती है, जैसे जियो का मोबाइल, जियो कंपनी जो मोबाइल बेचती है वो कंबाइंड देती है, उसमें मोबाइल भी दिया और अपनी सर्विस भी दी, बायजूस दोनों दे रहे हैं, बायजूस प्रोडक्ट और सर्विस कंबाइंड है, इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल है ये पॉइंट। हाँ, और कोई और किसी का क्वेश्चन? तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा व्हाट इज टू बी मार्केटेड, अगला पॉइंट क्या है, मीनिंग ऑफ मार्केटर, ठीक है, व्हाट कैन बी मार्केटेड ये हमने पढ़ लिया, अब मार्केटर का मीनिंग क्या है, ये बड़ा मजेदार टॉपिक रहेगा आपको समझने के लिए। मॉडर्न कंसेप्ट में मीनिंग ऑफ मार्केटर क्या हो गया, वो कोई भी व्यक्ति जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, कोई भी व्होएवर, वो मार्केटर है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण से उदाहरण निकालता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने एक मूवी का नाम लिया कश्मीर की कली और सूरज, ये दो मूवीज ऐसी हैं जिनके सॉन्ग्स आज भी कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे जाएंगे। खासकर सूरज का जो सॉन्ग था वो कौन सा वाला था, बहारो फूल बरसाओ, अरे याद आया। एक्चुअली क्या है, मैं एक मार्केटिंग के एग्जांपल ले रहा था, इंटरेस्टिंग, मैंने कहा बच्चे दूर हो रहे हैं क्लास से और खालिद सर से मोटिवेट हो रहा हूं मैं बहुत आजकल, ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालते हैं। तो बहारो फूल बरसाओ सूरज मूवी का एग्जाम्पल, अरे गाना है, तो मैंने आपको नाम लिया। आप नए बच्चे हैं, हो सकता है आपने मूवी ना देखी हो तो आपको आगे करें जेनसन ने मूवी बोली थी, क्यों ना थोड़ा सा उसको देखा जाए, रिव्यू तो पढ़ा जाए ना। हु वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आई वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, तो मैंने किसकी मार्केटिंग करी, मैंने कश्मीर की कली मूवी की मार्केटिंग करी। ये है इसका मीनिंग, इसका मार्केटर का, कोई भी व्यक्ति
जो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करे वो मार्केटिंग है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज सपोज कल मैं एक एग्जांपल ले रहा था, भिंड के पेड़ का एग्जांपल, जानबूझकर लिया हुआ एग्जांपल है, क्योंकि ना वो आपको मिलने वाला है ना वो मुझे मिलने वाला है, लेकिन मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया. ना तो मैं खरीद रहा हूं ना आपको वो प्रोडक्ट मिलने वाला है. ध्यान से सुनना, ना मैं खरीदने वाला हूं ना मैं बेचने वाला हूं, और ना ही मैं वो प्रोडक्ट आपको देने वाला हूं और ना ही आप मुझे देने वाले हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट को लेकर एक इमेज डेवलप हो गई. मतलब आप को अगर मौका मिला तो आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे. मतलब मैंने आपको पोटेंशियल कंज्यूमर बनाया. ना तो वो मेरा बिजनेस है, ना नॉट आई एम अ बायर नॉट अ सेलर नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम नो वन, बट स्टिल आई पार्टिसिपेटेड इन द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, सो आई एम अ मार्केटर. एनीवन जिसको इस पॉइंट से प्रॉब्लम है या जो इस पॉइंट को जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है. एनीवन हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन इन दिस. वैसे तो मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करना मार्केटिंग हो गई? नहीं, अगर अगर आपके द्वारा बोली गई बात से कोई बंदा वो प्रोडक्ट खरीद लेता है, देखिए समझिए, आपके बताने से अगर किसी ने वो प्रोडक्ट खरीदा तो आप मार्केटर हुए. मार्केटिंग नहीं, मार्केटर का मतलब जो उस प्रोसेस को हेल्प कर रहा है. और सारे मार्केटर्स मिलकर मार्केटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बनाते हैं. कोई भी अगर मैंने अगर मैं बोलूं कि भाई बहुत अच्छी जगह है अहमदाबाद, अल्टीमेट उदयपुर लेक पैलेस बहुत बढ़िया है, मैं गया था मजा आ गया, वहां का होटल वहां की वो सब, तो मार्केटिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जिसको जो बात बता रहा हूं वो इंड्यूस हो रहा है मुझसे. देखो मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे स्कूल में छुट्टियां थी 3-4 दिनों की, 2-3 साल पुरानी बात है, तो प्लान बनने लगा टीचर्स का कौन कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा. तो किसी ने बोला गोवा चलते हैं, किसी ने कुछ बोलते हैं, तो मैं भी बैठा हुआ था, तो बोले अच्छा सर आप क्या कुछ नहीं बोलोगे? अरे मैंने तुम लोग सब उल्टी सीधी सोच रहे हो, तुमको मैं एक जगह बताता हूँ जहाँ तुम 3 दिन में घूम कर एंजॉय करके आ सकते हो, बच्चों को भी एंजॉय. बोले कहाँ? मैंने पचमढ़ी चले जाओ यहाँ से. बोले बहुत पचमढ़ी पता नहीं कहाँ, मैंने कहा बताता हूँ. तो मैंने 2 घंटे पचमढ़ी के बारे में उनको बताया, और अल्टीमेटली देखो मैं ही नहीं गया पचमढ़ी, पूरी 2 गाड़ियां भर के पहुंच गए टीचर्स पचमढ़ी घूमने मेरे कहने पर. लौट कर आए बोले जैन सर बहुत बढ़िया जगह थी, मजा आ गया. तो अब मैं पचमढ़ी मेरी है क्या? नहीं, बट आई प्लेड एन एक्टिव रोल. That's why the consumer of the particular place, they went to Pachmani to enhance the exchange mechanism. वो लोग पचमढ़ी गए, वहां होटल में रुके, एक्सचेंज हुआ, वो उन्होंने वहां पर घूमे, गाड़ियां बुक करी, एक्सचेंज हुआ, वहां खाना खाया रेस्टोरेंट में, एक्सचेंज हुआ. सो who was actively participating? I was participating, और जो मेरे सुनने वाले थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. आप मेरी बात सुन रहे हो, आप भी मार्केटर हो. ये है मार्केटिंग का कंसेप्ट. और अगर आप इस बात को मानते हो तभी मार्केटिंग वाले पॉजिटिवली एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमने अगर किसी को अच्छी किसी को हमारी बात अच्छी लगी तो 4 लोग उसको बोलेंगे, वो 4 दूसरे 4 को बोलेंगे, अपने आप प्रोसेस चलेगा. और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है एडवर्टाइजमेंट का एंड रिजल्ट वही है. इसकी थ्योरी में क्या लिखा है? Marketers refers to any person. Marketer refers to any मतलब कोई भी, any person who takes more active part in the process of exchange. जो process of exchange में active participate करता है. Generally it is the seller who is more active in exchange process. आइनोने क्या बोला? Generally कौन? बेचने वाला ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन आज के जमाने में खरीदने वाला भी बहुत एक्टिव होता है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी आइसक्रीम पार्लर पर जाते हैं, फिर आपसे पूछता क्या चाहिए, वो आपने एक लाइन में बोल दिया आई वॉन्ट कसाटा मिक्स विद वनीला विद ड्राई फ्रूट्स एंड सम चेरीज एंड शुगर सिरप प्लस 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 प्लस, उसके बताने से पहले आपने उसमें पूरा मेन्यू डाल दिया, ये डाल दो आइसक्रीम में। तो सेलर और दोनों में अंतर है। जब मैं आप ही के बारे में, आपने पूरा मेन्यू आपने बता दिया क्या क्या चाहिए, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले, आप मार्केटर हो गए। अगर मैं जाता हूँ हाँ भैया क्या क्या है आपके पास, तो फिर वो बताएगा अपने सामने से। जब वो सामने से बताएगा कि सर ऐसा है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला हो गया, वो मार्केटर हो गया। या फिर मेरे साथ में मेरा दोस्त गया है, आइसक्रीम मुझे खानी है उसे नहीं खानी, लेकिन बता बोल रहा है कि तुम ये आइसक्रीम खाओ, तो वो मार्केटर हो गया। तो इस दुनिया में सभी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हम एज ए बिजनेस हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग दोनों तरह की हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की पॉजिटिव मार्केटिंग हो रही है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, हमारा काम इजी हो गया, हम बड़ी आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हैं और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। घूमकर मैं वहीं आ गया जहां से चालू किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव वही है। आगे, इट इज द सेलर हु इज more active in the exchange process of as they analyze the needs of potential buyer. However, at times, buyer may also take more active role in exchange process. Okay? Buyer bhi exchange process mein actively participate kar sakta hai. So, aaj humne do topic padhe. What can be marketed? What are the examples of marketing? Or who is a marketer? Any questions? Or I will close the class now. Any questions? Any questions? Students, any questions? No, sir. Okay. No, sir. So, can you share me your experience today? Any one of you? Kuch improvement ki agar? अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन आप लोग देना चाहे तो, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस सॉफ्टवेयर, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, यू ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड अदर्स, एनी सजेशंस? ओके, सो इफ यू वांट टू सजेस्ट मी इन पर्सनल, तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। Yes. So I am closing the class. Video will be uploaded after the class is finished and it is available.